नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 5 सितंबर से लेकर 15 सितंबर का समय महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा समय रहने वाले हैं। जी दोस्तों, यश में ग्रहों की भी बहुत ही शुभ स्थिति रहने वाली है, जिनका शुभ प्रभाव यश में आपकी राशि पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, इनके साथ आप कई बड़ी सफलताओं को अपने हाथ में करने वाले हैं। कई बड़ी सी कामयाबी आपको मिलने वाली है, जिससे आपका आने वाला समय बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यश में आपको बता दें महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी जो उनकी सभी प्रकार की आर्थिक तंगियाँ खत्म होने वाली हैं। आपके जीवन से जुड़े कई क्षेत्रों में आपको जिनमें लाभ नहीं मिल रहे थे, दोस्तों यश में उनमें आपको प्रगति देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ग्रहों के भी बहुत ही शुभ संकेत बन रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब आपका दायित्व होता है कि जो महत्वपूर्ण समय है, इनका आप सही तरीके से सदुपयोग में लाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यश में ग्रहों की शुभ स्थिति जहाँ बन रही है, वहाँ पर आपके दुश्मन भी प्रबल स्थिति में रहेंगे। यूँ कहें तो दोस्तों, उनसे आपको सतर्क रहना होगा, साथ ही कुछ कार्यों को करने से भी बचने होंगे। दोस्तों ये जो कार्य हैं, आपके कार्यों में विघ्न डाल सकते हैं, किए कराकर पानी फिर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान लिखेगा, गुरु जी का और महाबली हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों समय बेहतरीन है, आपके व्यक्तित्व के समक्ष विरोधी आपके परास्त होंगे और आप यश में अपने काम को बेहतरीन तरीके से संपन्न भी कर सकेंगे। दोस्तों युवा वर्ग को भी कोई बेहतरीन उपलब्धि यश में हासिल हो सकती है। इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको अपने बजट का ध्यान रखना चाहिए। घर से संबंधित किसी कार्य में अत्यधिक खर्चा भी हो सकता है। किसी के प्रति अपने मन में यश में आपको नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। साथ ही दोस्तों यश में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको रखना चाहिए। दोस्तों इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, गौर करने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आप पर बना हुआ तनाव खत्म होने की वजह से मन में आपके समय प्रसन्नता रहेगी। परिवार के किसी व्यक्ति की सेहत में सुधार दिखने की वजह से भी आपके तनाव से आपको छुटकारा मिल सकता है। मित्र परिवार के साथ भी बिताया हुआ समय आपको आनंद देगा। परिवार के किसी प्रिय व्यक्ति से संबंधित खुशखबरी भी यश में आपको मिल सकती है, इसकी संभावना यश में बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी योजना बन रही है तो दोस्तों उसे कार्यरूप देने का उचित समय होगा। आय के नए स्रोत भी यश में बनेंगे और आर्थिक स्थिति भी यश में आपकी बेहतर रहेंगी। आपको बता दें कि यश में नजदीकी मित्र की सलाह आपके लिए परेशानियों से आपको राहत दिलवाएगी। तो दोस्तों यश में आप नजदीकी मित्रों की सलाह ले सकते हैं, ये आपके लिए यश में बेहतर रहेंगे। और दोस्तों इसके उपरांत कभी भी अनुचित या फिर गैर कानूनी काम में रुचि ना लें, इसकी वजह से कोई जो है अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव तथा सहयोग आपको इसमें बहुत अधिक लाभदायक स्थितियां देने वाली है। दोस्तों ये आपके लिए लाभदायक रहेंगे तो इनका जो है जरूर उपयोग करें। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम से संबंधित अपनी जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली है। आपको बताते हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा सा तनाव का सामना भी आपको इसमें करना पड़ सकता है। विचारों में क्लैरिटी न रहने की वजह से किसी भी बात में निर्णय लेना आपके लिए थोड़ा सा इसमें कठिन होगा। लेकिन दोस्तों केवल सोच विचार में ही आपका जो है अधिक समय बर्बाद हो सकता है, इसलिए दोस्तों वर्तमान में रहने की पूरी कोशिश करनी होगी आपको इसमें, जिसके द्वारा विचारों के साथ साथ काम करने पर भी आपको ध्यान देना इसमें संभव होगा। और इसके उपरांत ये समय आपके लिए समय होगी, आपको बता दें कि दोस्तों ये समय अपने आसपास की परेशानियों में कुछ बदलाव महसूस करेंगे और इन बदलावों का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाले हैं, जिसका अच्छा परिणाम आपको भविष्य में दिखेगा। सिर्फ आपको अपनी ऊर्जा एकत्रित करके दोबारा नई जो है नीतियाँ बनाने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी भी वरिष्ठ या फिर सम्मानित व्यक्ति के साथ वाद विवाद या फिर मतभेद में ना पड़े या फिर मतभेद ना उत्पन्न होने दें।
दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेहनत करने में ही आपका भाग्य आपका सहयोग करेगा। तो दोस्तों इसमें मेहनत पूरा दिल और दिमाग से करें, किसी भी प्रकार की बहस या फिर गपशप करने से इनसे बचें, इनमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना करें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए इसमें होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों किसी व्यक्ति के साथ हो रहे बातों को और आगे ना बढ़ाएं, आपके द्वारा बोली गई कटु बातों की वजह से संबंध बिगड़ सकता है। दूसरा व्यक्ति अपने दिए हुए शब्द पर कायम न रहने की वजह से आपकी चिड़चिड़ापन बढ़ेगी। अपनी बात को जो है व्यक्ति के सामने सरलतापूर्वक रखने की आपको कोशिश करना चाहिए, लेकिन दोस्तों गुस्से पर आपको इसमें काबू भी रखना चाहिए, आपके लिए इसमें अत्यंत आवश्यक होंगे। तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए इसमें होंगे, आपको बता दें कि परिस्थितियाँ दोस्तों इसमें आपके पक्ष में है, परंतु भावनाओं के बजाय विवेक और चतुराई से आपको इसमें काम लेने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपके लिए उन्नतिदायक इसमें साबित होगा। आपको बता दें कि अचानक ही किसी मित्र या फिर नजदीकी रिश्तेदार का आगमन भी हो सकता है, आपसी मेल मिलाप खुशी देगा। विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी कोई रुकावट भी इसमें दूर होगी। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपको अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत होगी। शांतिपूर्ण तरीके से स्थितियां पर विचार विमर्श करें, गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए इसमें नुकसानदायक रहेगा, तो इन पर गौर करें, इन पर ध्यान दें। दोस्तों कोई पैतृक संबंधी मसला भी इसमें उठ सकता है, और इसके उपरांत इसमें प्रस्तुति का पूरा अवलोकन करके ही आपको आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक होगा। और विद्यार्थियों को भी इसमें खुद से भी पढ़ाई से अधिक फायदा प्राप्त होगा। पैसे से संबंधित जागरूकता रखें, जरूरत से अधिक खर्चा होने के कारण आपकी चिंता बढ़ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यवसायिक गतिविधियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। अधिकतर काम समय अनुसार पूरे हो जाएंगे, परंतु अपनी योजनाएं जो है किसी अनजान व्यक्ति से शेयर ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। नौकरी पेशा लोगों का भी अपने ऑफिस में मान सम्मान व फिर यश में साख बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय में कुछ सकारात्मक तथा फायदेमंद गतिविधियाँ भी रहेंगी। बीमा, इनकम टैक्स जैसी क्षेत्रों में कई बेहतरीन उपलब्धि भी यश में आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर जो है कार्यभार की अधिकता रहने वाली है, परंतु साथ ही कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी यश में आपको मिल सकती है, जिनसे आपका मन यश में प्रसन्न रहेगा और काम करने में यश में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों व्यवसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार व फिर मूल्यांकन करने की जरूरत होगी। आपको अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों यश में जनसंपर्क का जो दायरा है और अधिक विस्तृत करें, आपको अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य प्रगति नजर आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें शायदारी से संबंधित बिजनेस में काम पहले जैसा ही चलता रहेगा, वर्तमान परिस्थितियों में कुछ बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों यश में पेमेंट कलेक्ट करने का उत्तम समय होगा। मार्केटिंग तथा मीडिया संबंधी कार्य में अपना ध्यान विशेष रूप से आपको केंद्रित करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। बच्चों की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से कुछ चिंता रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में जीवन साथी का सलाह हुआ फिर सहयोग आपके मनोबल व फिर कार्य क्षमता को बनाकर रखेगा तथा आपसी संबंधों में और अधिक यश में नजदीकी आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों घर परिवार में बाद विवाद जैसी स्थिति भी उत्पन्न न होने दें। दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी आपसी सहयोग द्वारा वातावरण को शांतिपूर्ण बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके घर परिवार के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, इससे आपसे संबंध बेहतर रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है परिवार परेश में बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में सिर दर्द व फिर थकान जैसी स्थिति हावी हो सकती है। सर्दी से अपना यश में बचाव करें तथा उचित खान पान भी आपको यश में लेना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर होंगे, तो इन पर आपको गौर करना चाहिए। और इसके उपरांत आपको बता दें अगर आप सावधानियों को बरतेंगे तो अंत में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। फिर भी दोस्तों अपने खान पान व फिर दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना यश में आपके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होंगे।
बारिश के उपरांत दोस्तों यह समय आपको बता दें कि हल्की फुल्की मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, जरा सी सावधानी आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखेगी। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है, यश में बिल्कुल भी यश में जो है लापरवाही ना करें और सभी चीज़ों को लेकर सावधान रहें, यह सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी।